नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुखिया को दिया है टास्क। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांव की राजनीति से लेकर आयोग तक ने कमर कस लिया है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया को स्पेशल टास्क सौंपा गया है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के कारण पीने के पानी की किल्लत न हो, इसके लिए विभिन्न पंचायतों के मुखिया विभाग के अधिकारियों को फोन कर फीडबैक देंगे। पीएचईडी विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जल स्तर में होने वाली गिरावट को लेकर समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इधर पीएचईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया से अगस्त महीने तक फीडबैक ले लें। विभाग के सीनियर अफसर की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कंट्रोल रूम से हर प्रभारी पदाधिकारी पंचायतों के मुखिया से फोन कर हर घर नल जल योजना का फीडबैक लेंगे, ताकि यह पता चल सके कि हर घर नल जल योजना सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। इधर आयोग ने अधिकारियों को भूजल के स्तर का फीडबैक लेने को भी कहा है। जहाँ भी जल स्तर में गिरावट की सूचना मिलेगी, तुरंत उसकी सूचना विभाग को देने के लिए कहा गया है। लोक स्वास्थ्य मंडल भागलपुर के पूर्वी पश्चिमी बांका पटना पूर्वी पश्चिमी के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि पंचायत बार जल स्तर का ब्यौरा तैयार कर वैसे पंचायतों में मरम्मती दल भेजकर शत प्रतिशत चापाकल की मरम्मत कराएं। आपको बता दें कि समीक्षा के क्रम में भागलपुर पूर्वी और भागलपुर पश्चिमी बांका पटना पूर्व एवं पटना पश्चिम के जल स्तर में पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट देखी गई है। इधर पीएचईडी विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए आपदा कोषांग का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम में बैठे पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी जलापूर्ति योजना के तहत हर दिन पूरा ब्यौरा लेंगे, ताकि कहीं भी पानी की दिक्कत न हो। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर इधर चुनाव आयोग लगातार जो है अपडेट जारी कर रहा। इधर आयोग की तरफ से जारी किए गए नए अपडेट में कहा गया है कि आरक्षित पर अगर समान वर्ग के उम्मीदवार अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वे अफसर नप जाएंगे। आपको बता दें कि बताया भी यह भी गया है कि जिस वर्ग के लिए जो सीट आरक्षित है, उससे दूसरे वर्ग के प्रत्याशी के अगर नामांकन कर दिया तो अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आयोग ने अपने आदेश में यह भी कह दिया है कि निर्वाचित पदाधिकारी इस बिंदु पर संतुष्ट हो लेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार के तहत कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ की श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसा ना हो कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से अनारक्षित श्रेणी के व्यक्ति नामांकन पत्र भर दे, या किसी कोटि विशेष के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरे आरक्षित कोटि के व्यक्ति अपना नामांकन कर ले। आयोग ने साफ साफ कहा है कि गड़बड़ी सामने आने पर आयोग ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेगा और संबंधित अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसी गड़बड़ियों के लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी की पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। इसलिए निर्वाचित क्षेत्रों के आरक्षण स्थिति के अनुरूप ही उस कोटि के व्यक्तियों के नामांकन पत्र लिया जाएगा। आयोग ने आगे यह भी कहा कि किसी पद के लिए दो से अधिक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकते हैं और इसके लिए एक ही नामांकन शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में मिल रही गड़बड़ियों को दूर करने की भी बात कही गई है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि नल जल योजना में अगर किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसे जल्द ही पूरा कर ले, नहीं तो इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना है कि मुखिया जी अपने टास्क में कितना सफल हो पाते हैं। बिहार और प्रदेश में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।